यसुम सी की तमसीलों के साथ मैं हूं बाबू मिराज शहद और मेरे साथ हैं बाबू पारस आशिक। हम सिलसिलेवार प्रोग्राम यसुम सी की तमसीलों पे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सुनेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई पाक अंजील 13वें बाब की 24वीं आयत से। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालियां निकली तब जवान भी जाहिर हुआ, तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ए साहब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी अखाड़ डालो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नाज़रीन, आज हमने खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ज़वान की तमसील के बारे में पढ़ा है, तो मैं अपने दोस्त से एक सवाल करना चाहता हूँ कि ज़वान और गेहूं में बुनियादी फ़र्क क्या है? बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमने इससे पहले बीज बोने वाले की तमसील सुन रखी है, आज की तमसील जो ज़वान की तमसील है उसी का तसलसल है, क्योंकि उसमें किसान बीज बोता है, ज़मीन तैयार करता है और वह सारे मराहल में से गुजर कर पहले ज़मीन तैयार करता है, ज़मीन में हल चलाता है, जड़ी बूटियों को उखाड़ता है, इस काबिल ज़मीन को बनाता है कि वो बीज जो उसने बोना है वो पूरा फल दे, और ऐन मुमकिन है कि उसकी सोच के मुताबिक शायद कभी ना हो, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ बीज बोता है कि जो मैं बो रहा हूँ उसका मुझे फ़ायदा पहुँचे और बीज पूरा अपना हिसाब दे, जो उसकी क्वांटिटी है उसके मुताबिक मुझे मिले, ताकि आने वाले वक्त में मेरी ज़िंदगी खुशहाल बने, इस नीयत के साथ। और हर किसान ऐसा करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इस तमसील की तो ज़वान का बोया जाना जो है, इसे अगर हम फिज़िकली तौर पर जिस तरह गंदम के दाने को हम देखते हैं, शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं, खेतों की ज़िंदगी से वाकफियत रखने वाले लोग, गांव की ज़िंदगी से वाकफियत रखने वाले लोग, नाज़रीन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका ताल्लुक गांव से भी है, और ये कलाम जो आप सुन रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में रह भी रहे हैं और बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि जब वो बीज बोया जाता है तो खालिस बीज होता है, उसमें 40 kg 50 किलो जितना भी किसान बोता है पूरे खेत में, वो तो उसने अपने ईमान के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक बो दिया। लेकिन गांव की ज़िंदगी से बहुत सारे लोग इस तरह वाकफ भी हैं कि बहुत सारी दुश्मनियां हैं, बहुत सारे हसद करने वाले लोग भी होते हैं, और ये सच है कि एक खेत के साथ दूसरे का खेत है तो कई बार सुनने को आया, और मैं खुद इससे मुतल्लिक जानता हूँ, गांव की ज़िंदगी से मुतल्लिक मुझे काफ़ी वाकफियत है। एक बार किसी ने अपने खेत में इसी तरह गंदम बो दी, और होता यह है कि 4-5 दिन बाद
जब ये गंदम बो दी जाती है, बोई जाती है, उसके बाद जब बालियां निकलती हैं तो थोड़े दिन बढ़ने के बाद, 10 15 20 दिन बढ़ने के बाद, वो गंदम थोड़ी जमीन से ऊपर निकलती है, सरसब्ज बनती है, उसके बाद किसान ने उसको पानी देना होता है ताकि वो बेहतर फलदार बने, पौधा बना सके। तो इससे पहले पानी उसको लगाना जो था उसके लिए मौत है, उस दाने के लिए मौत है जो गंदम का दाना जमीन में बो दिया गया। लेकिन हुआ ये कि उसने एक दिन अभी हुआ था, उस किसान ने अपनी जमीन में उस बीज को बोए हुए 3-4 खेत उसने बोए थे, और दूसरे दिन किसी ने उसमें पानी छोड़ दिया रात को। बिल्कुल आज की तमसील के मुताबिक दुनिया में ऐसा होता है, इंसान हसद से, जल से, तो ये आम है, हर जगह पे है। आप जिस शोबे में भी जाएं वहां आपको नजर आएगा जलसी है, हसद करने वाले लोग हैं। ऐसा हुआ और उसका सारा नुकसान हो गया। बिल्कुल आज की तमसील जो हमने पाकलाम में से सुना है, शायद हम में से भी जो भी पाकलाम सुनते हैं, हम में से कोई सोच का बंदा हो, लेकिन आज का कलाम हमें जरूर टारगेट कर रहा है, आपको और मुझे भी, कि अगर हमारी सोच ऐसी है तो आज ही खुदा का कलाम हमें बदलने के लिए, इस तमसील के जरिया से एक और राह देने के लिए, उस राह पर चलने के लिए रहनुमाई करता है। तो इसलिए हमें यह समझना है कि ये जो जेलसी है, हसद है, ये दूसरे के लिए नुकसान का बायस हो सकता है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर आपकी अपनी जात के लिए, आपके जमीर के लिए, आपकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं होता। आप किसी का नुकसान करते हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरह का, तो आप कभी चैन से नहीं बैठेंगे, आपका जमीर आपको मलामत करता रहेगा। और जिसने ये जवान बोया था, आपका क्या ख्याल है कि वो सोया होगा? हरगिज़ नहीं सोया होगा, सोया नहीं, लेकिन ये उसकी शख्सियत का अक्स जो है नजर आता है कि उसने किस कदर जो है अपने हसद को उन पर जार किया और नुकसान करके खुश हुआ। वो इसका तो सर एक ही मामला है, किसने सिर्फ पानी छोड़ा होगा, जिसकी मैंने मिसाल दी है, उस बंदे का कितना नुकसान हुआ, उसकी नस्लों का नुकसान हुआ, औलाद का नुकसान हुआ, उसके रुपए पैसे का नुकसान हुआ। तो जब इंसान नेगेटिव सोचता है तो उसकी जो मेंटालिटी है वो जाहिर होती है, और वो फिजिकली भी जो है अपने आप को जो है बीमार ही महसूस करता है। इसी वजह से खुदा ऐसे लोगों को नापसंद करता है और उनके लिए एक सोच देता है कि वो इस बदी को छोड़ें। बिल्कुल ये बदी की सोच है, ये सारी इस तमसील को हम सुनेंगे, जो है बदी की जो अलामत है। तो अच्छे बीज से हम क्या मुराद लेते हैं? बिल्कुल ये ठीक है, आपने, मैंने शुरू में जिक्र किया था बीज बोने वाले की तमसील का तसलसल है नाजरीन, उसमें चार तरह का बीज बोया गया था, कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर, और जो चौथी किस्म है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक तौर पर अच्छी तरह जमीन तैयार की गई, अच्छी तरह उसको खोदा गया, अच्छी तरह उसे तैयार किया गया ताकि जो बीज उसमें बोया जाए वो 100 का 100 गुना फल लाए। ये तैयारी का अमल होता है, जब के इंसान इस तैयारी के मराहिल में से गुजरता है तो अच्छी जमीन तैयार होती है, तो फिर वो अच्छा ही फल देती है, अच्छा फल देती है। और अच्छे बीज से अगर हम इसकी रूहानी माने लें तो नेक लोग हैं, रास्तबाज लोग, जो खुदा की आवाज को सुनते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को पेश करते हैं, उन्हें आज की तमसील में अच्छे बीज से तशबीह दी गई है। तो जवान और गेहूं से फिर क्या हम मुराद लेते हैं कि क्यों ये कहा गया कि इनको इकट्ठा बढ़ने दें? जी, इसमें जो मालिक की मर्जी है, किसान की जो जमीन का मालिक है, उसकी जो मर्जी है नाजरीन, वो बिल्कुल ये है कि इस बात से हमें पता चलता है कि हरगिज हरगिज मालिक नहीं चाहता है कि अच्छा बीज नुकसान उसको पहुंचे, हरगिज, चाहे उसके साथ बुरा बीज जो जवान की शक्ल है वो उसको बढ़ने का मौका दिया। आप देखें, उसने अपने दिल पर जैसे पत्थर रखा है कि उस जानते हुए भी, हाँ, उसको बढ़ने दिया है, चांस दिया है, चांस इस लिहाज से दिया है उस अच्छे बीज की वजह से, वो वरना हाँ अगर जवान अकेला होता तो वो कब का जैसे ही उसे पता चलता वो उसको उखाड़ फेंकता। जिस तरह के हम वो तकवीन की किताब में देखते हैं कि सदूम और मूरा के हिसाब से, तो वहां का लिखा है कि जे मैं अगर 50 होंगे तो क्या तू शहर को बर्बाद कर देगा, और 10 तक वो सिलसिला निकल है। मतलब यहाँ जवान दुनियावी तौर पर तो हम देखते हैं ये जो बात है, लेकिन रूहानी तौर पर इसके जो अंदर के अखलाकी मानी भी है और बिब्लिकल मानी भी है, वो बिल्कुल यही है कि खुदा नेक को हलाक करना नहीं चाहता, उसको आगे बढ़ने देता है, और फिर उसके साथ साथ जो बद है उसको भी मौका मिलता है कि वो अपनी बदी को छोड़े और खुदा की तरफ रजू लाए। ये जो रजू लाना है
खुदा को कबूल करना है, ये बिल्कुल किसी मौत से निकलकर जिंदगी के सफर में चलने जैसा है। जिस तरह के यूनुस नबी के बारे में यूनुस की किताब में पढ़ते हैं कि उसने देखा तो फिर उसने अपने आप को चेंज किया और उन लोगों ने बेटे का बिल्कुल वही हाल है, उसके बाप ने क्या कहा था, मेरा ये बेटा मर गया था अब जिंदा है। बिल्कुल ये सारी बातें सारी सोचें जो कलाम की सोचें हैं इंसान को एक नुक्ता पर नाज़रीन ला खड़ा करती हैं कि हमें अच्छे बीज जैसा बनना है, वो बीज जो मालिक ने बोया, वो जो उसकी मर्जी के मुताबिक बोया गया, वो जो खालिस जमीन में बोया गया, वो जिस उम्मीद के साथ बोया गया कि ये उगेगा तो 100 गुना देगा, हमने बिल्कुल ऐसी सोच के साथ जिंदगी बसर। तो जुबान कहां से आ गया था, जुबान कहां से आ गया, ये सवाल करने वाला सवाल है। आप अदन में चले जाए, अदन के वाक्या में चले जाए, हमें पता चलेगा जुबान आया कहां से। उससे पहले जब तक अबलीस उनको मिला नहीं है, शैतान उनसे हजरत आदम हजरत अवा से नाज़रीन मुलाकात नहीं करता है, तब तक कोई बदी का वजूद नहीं है, बदी की सोच भी नहीं है, बदी का ख्याल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही खुदा ने उनके सामने अपने कवानी रखे, अपनी शरीयत रखी, उन्हें एक हुक्म दिया कि तुमने ऐसे जीना है, उन्हें एक तरीकेकार बता दिया, और जैसे खुदा ने उन्हें कहा, खुदा वहां से निकला और उनको अकेले पाया, उसको मौका मिल गया और आकर उनकी अकल को माफ करने लगा और खुदा के खिलाफ उन्हें खड़ा किया, उनके मंसूबे बनाने लगा। और हुआ क्या, जब हम कहते हैं ना कि इंसान फितरतन कमजोर है, ये वही से फितर शुरू हुई है, हजरत आदम से फितर शुरू हुई है, क्योंकि वो अबलीस के चुंगल में आ गया। हजरत आदम हमारा पहला बाप जिसे हम कहते हैं नाजरीन, वो अबलीस की बात को मानते हैं, हजरत हवा भी अबलीस की बात को मानते हैं, और तब से लेकर हम समझते हैं कि ये जो जवान की तमसील है कि बुरा बीज जवान कहां से आया है, ये वहीं से जवान बदी के फर्जंदों को कहा गया है जो बुराई करते हैं, यानी बदी की सोच रखते हैं। बुरे लोग आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद है, उनके जो है अक्कासी करता है जवान, शायद हम सब जितने सुनते हैं हमें ये हमेशा रोज सुनने को मिलता है। आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, रोज गली मोहल्लों में ऐसे वाक्या देखते हैं कि फलां ने बदी की, और वो बिल्कुल उसी जुमरा में आने वाला वाक्या होता है, और वो शख्स जो बदी करता है बिल्कुल जवान की शक्ल उसने इख्तियार की होती है। तो कटाई से क्या मुराद है, कटाई से मुराद आखिरत का जमाना है, अदालत का दिन है। आप किसी भी मजहब की बात कर लें, खासकर दुनिया में 3 मजहब ऐसे हैं जो एक खुदा को नाज़रीन मानते हैं, असामी मजाहिब कह सकते हैं, 3 मजहब हैं, यहूदी सबसे पहले, फिर मसीही मजहब, फिर अहले इस्लाम वाले हमारे भाई, ये सारे एक खुदा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हर एक अपने अपने अकीदा के मुताबिक अपनी इबादत करता है, अपने खुदा को राजी करता है, और हर एक में ये सोच है कि जो बुरा है वो अदालत के दिन उसे सजा मिलेगी, और जो अच्छा है अदालत के दिन उसे जजा मिलेगी। इसलिए सजा और जजा का जो सोच है वो सारे मजाहिब में, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ नाज़रीन जीते हैं कि हमें अभी से अपने आप को तैयार करना है जजा के लिए, ना कि सजा के लिए। ये ना हो कि चले हमारा खुदा रहीम है, भाई वो रहीम जरूर है, आप सबको पता है रहम करने पर कादर है, लेकिन हम क्यों ऐसा मौका अपने लिए तलाश करें जब हम बदी में शामिल होकर हम जहन्नम के मुसाफिर बन जाए। ऐसा तो हमारे सामने वक्त है, बेशक हमारा खुदा रहम करने पर कादर है, बख्श देगा, लेकिन हमें भी तो एक जिम्मेदारी मिली है कि हम अभी से उसकी आवाज को सुने, कान मिले सुनने के लिए, जुबान दी बोलने के लिए, दिमाग सोचने के लिए, दिल महसूस करने के लिए। इतनी नेमतें खुदा ने हमें दी हैं, इनके बावजूद भी हम इनका इस्तेमाल ना करें और खुदा की आवाज को ना सुनकर हम बदी के मुसाफिर बन जाए, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। जैसे कि पाकलाम में लिखा है कि जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और खुदा के सारे फरिश्ते उसके साथ होंगे, वो तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमों का इंसाफ करेगा। आज की तमसील में जो ये कहा गया, गुलामों ने जिनका जिक्र है कि गुलामों ने आकर खबर दी, भाई तूने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया था लेकिन जवान कहां से आ गया। उन्होंने कहा कि हम इसे अभी उखाड़ देते हैं, लेकिन मालिक ने बड़ा रहम दिखाया है, खुदा ने बड़ा रहम दिखाया है, क्योंकि जवान जो गंदम का मालिक है, खेत का मालिक है, वो खुदा है। हम सारे लोग जो है, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा बीज है, जो जवान है वो बुरे लोग हैं। आज की तमसील का बिल्कुल जो मफहूम वाज़े तौर पर हमारे सामने आता है वो ये है। इसलिए हमें समझ आनी चाहिए जवान कहाँ से आया, अबलीस से आया।
अच्छा बीज कहां से आया? खुदा से आया। हजरत आदम और हजरत हव्वा को खुदा पैदा करने वाला है, लेकिन उसने मौका पाकर इब्लीस ने उनको बदी के रास्ते पर डाल दिया। और इसे तब से लेकर हम समझते हैं कि ये साथ साथ बढ़ता है, इब्लीस का काम साथ साथ बढ़ता है और आज तक कायम है और शायद रहती दुनिया तक रहेगा, लेकिन नेकी के जो फर्जंद हैं, जो खुदा के लोग हैं, उन्हें उसका जरूर मुकाबला करना है कि हम उसको मौका ही ना दें अपनी जिंदगी में। जब हम दूसरों को मौका देंगे तो फिर तो जो शैतान है, हर रोज हमारे खानदानों में ऐसे मौके हम देते हैं जब हम कोई भी बदी करते हैं, पड़ोसियों के साथ करते हैं, रिश्तेदारों के साथ करते हैं और स्पेशली वालिदैन के साथ बहुत सारे वाकयात हैं, सारी बदी के बातें हैं। और ये बिल्कुल इब्लीस के काम है, उस जहां से अज़वान आया है ये वैसे काम है। तो फिर मौजूदा दौर में जवान का किरदार अदा करने वाले कौन से लोग? रोज बारें भरी पड़ी हैं, रोज खबरों में आपको सुनना पड़ता है कि फला जगह पे चैनल पे देखते हैं और जो प्रिंट मीडिया है, बड़े बड़े वाकयात हुए, किसी ने अपनी माँ को छुरियों से मार दिया, किसी ने अपने बाप को घर से निकाल दिया, किसी ने पड़ोसी के साथ जुल्म किया, किसी ने छोटी बच्चियों के साथ जुल्म और ज्यादती की। कितने वाकयात आप गिनते और देखते हैं? पिछले दिनों जो है कराची में जो है वाकया हुआ, उसने बेटे ने अपने बाप को जो है जायदाद की खातर जो है वो कत्ल कर दिया जी था। जितने भी बदी की बातें हैं वो सारे के सारे आज के दौर के वो किरदार हैं जो तब खुदा ने आज की इस पाक तलावत में हमारे सामने जो जवान की शक्ल है, आज सारे किरदार तब की तरह आज भी हैं। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मौका नहीं देना इन किरदारों को, अपनी जिंदगी में मौका नहीं देना। अगर हमने मौका दे दिया तो ये जवान उस फसल में जो हमारे घर की शायद फसल है, हमारी जिंदगी की फसल है, जो खालिस बीज हमने बोया है उसमें उगेगा और इससे इसका बड़ा नुकसान है। तो फिर क्या जवान अच्छे बीज के लिए किस तरह नुकसानदेह साबित हो सकता है? जी जी, क्योंकि आप अगर मैंने शुरू में एक बात कही थी नाजरीन, खेतों की जिंदगी को जानने वाले लोग जो जहां बीज बोया जाता है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं गांव से तल्लुक रखता हूं। जब गंदम का बीज उगता है, बालियां निकलती हैं, तना बनता है, जब उस पर सिटे आते हैं बीज, आपको पता है सिट्टा जिसमें दाने गंदम के दाने होते हैं, एक दाने से कितने दाने जो वहां पैदा हो जाते हैं। एक एक पौधा है उस पर गंदम का सिट्टा निकला और साथ उसके वैसा बिल्कुल वैसे पत्ते, वैसा पौधा, वैसा तना उसका, लेकिन उसके ऊपर दाने नहीं निकले, ब्लैक कलर, काले कलर के सिट्टा भी नजर नहीं आता उसमें वो बनते हैं, उसको कहते हैं जवान। बहुत सौ के नजदीक शायद एक पौधा और है जमी का पौधा, जो उस पर छोटे दाने आते हैं, छोटा सिट्टा आता है, लेकिन वो गंदम का सिट्टा नहीं होता। लेकिन मेरे नजदीक वो उसको जो काले शक्ल में वो पौधा बनता है उसको कहते हैं जवान, क्योंकि वो गंदम की सेम शक्ल है, सेम पौधा वैसा है, लेकिन वो गंदम नहीं होती, उस पर फल नहीं आता। और उसका नुकसान पता क्या है? उसका नुकसान है उससे जो जरासीम जो भी उससे गिरते हैं उसकी वो एक बीमारी है, गिरते हैं वो गंदम के असल पौधे को लगते हैं और उस पर भी पौधा कमजोर हो जाता है, असर होता है। बिल्कुल, ये तमसील सुनने से हमें पता चलता है कि आप अच्छे लोग हैं, जो अच्छा बंदा है उसके साथ अगर बदी रखने वाले बंदे की दोस्ती हो जाए, इकट्ठे चलना शुरू करें, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको अच्छी हदायत देगा। उसने हमेशा आपको बदी की बातें बतानी है, इसलिए दोस्ती करते वक्त या ग्रुप बनाते वक्त या दोस्त बनाते वक्त जरूर हमें ये सोचना है कि बुराई का असर हमेशा निकलता है, बुराई का असर पड़ता है। कोई अगर ये कहे नहीं जी वो काम तो उसका अपना काम है, मैं तो सिर्फ उससे दोस्ती रखता हूँ, ऐसा नहीं है। उसकी सोच चूंकि बदी की सोच है, जब वो आपके साथ बैठेगा, आपके साथ चले फिरेगा, आपके साथ किसी और जगह पे निकलता है, तो फिर बिल्कुल ऐसी सोच असर पैदा करती है दूसरे बंदे के लिए। और हो सकता है, मुमकिन है कि उस बंदे को नेकी के रास्ते से हटाकर वो बदी के रास्ते पर ले जाए। ये तो हकीकत पर मबनी है कि जिस किस्म का भी आदमी हो वो ऐसे आदमियों को तलाश कर लेता है। किसी शायर ने कहा है कि कुनिंद जिन्स बाहम जिन्स परवास, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। क्योंकि कबूतर जो है वो हमेशा कबूतरों के साथ ही उड़ना पसंद करेगा, बाज जो है वो बाज, यानी कि अपनी क्वालिटी के हवाले से। तो बाबू जी, मैं एक और जो है सवाल पूछना चाहूँगा कि अच्छे बीज और जवान की तमसील से हम क्या सीखते हैं? पूरी तमसील पर थोड़ी थोड़ी बात नाज़रीन हमने की है, जो इसका असल मफहूम है, मरकजी ख्याल है, सबक है हमारे लिए,
वो बाइबल के ईमान के मुताबिक और हमारे मसीही ईमान के मुताबिक हम जो बात दरियाफ्त करते हैं, अखज़ करते हैं, वो ये है, खुदा इस धरती पर नेक इंसान बनाता है, लेकिन अबलीस आकर उस नेक इंसान को ट्रैक से हटाकर, जो रास्ता नेकी की तरफ, जिंदगी की तरफ जाता है, उसे हटाकर बदी की तरफ ले चलता है। और इसीलिए ये तमसील उसी सिलसिला के कड़ी है जो इंसान दुनिया में जीते हैं, उनको सिखाने के लिए कि जवान जो है वो बदी के फर्जंद है और अबलीस से उनका तअल्लुक है, अबलीस उन्हें लाने वाला है, और अच्छा बीज नेकी के फर्जंद और खुदा उन्हें कायम रखने वाला भी है और लाने वाला भी है। और इसलिए आज की तमसील नाज़रीन हमें सिखाती है कि हमें अच्छे बीज का किरदार अदा करना है, लेकिन इस अच्छाई पर कायम रहने के लिए, जबकि हर तरफ अफरा तफरी है, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इंसान जीना चाहता है, शायद मारधाड़ और शायद जुल्म ज्यादती है, सारे मामलात हैं, इसके बावजूद बचा कैसे जाए, रहा कैसे जाए, जिया कैसे जाए, ये हमारे सामने आज का एक बहुत बड़ा सच है कि अगर आप गिरजाघर में जाने वाले लोग हैं, अगर आप पाक कलाम पढ़ने वाले लोग हैं, अगर घर में सुबह दोपहर शाम खानदानी दुआ करने वाले लोग हैं, तो यकीनी तौर पर यह फैसला आप कर लें कि इन बातों को करने के बाद मुमकिन नहीं है कि आप बदी की बात की तरफ मायल हों, आप जुल्म की सोच अपनाकर जिए, क्योंकि कलाम भी यही सिखाता है कि मोहब्बत, ईमान भी यही सिखाता है कि मोहब्बत में रहना है, और हम कलीसिया की तालीम के मुताबिक नाज़रीन जो सीखते हैं, आप गिरजाघर में जाते हैं, पाप मास की कुर्बानी में शामिल होते हैं, आपके घरों में मुबशराने अंजील आते हैं, तो सारे के सारे आपको यही तालीम देते हैं कि मोहब्बत के तालीम देते हैं, जी बदी से बचना है, और खुदा की आवाज को सुनने के बाद आप एक ऐसे रास्ते पर चल निकलते हैं जो खुदा ही की तरफ जाता है, लेकिन कलाम को पढ़ने सुनने और उस पर ईमान लाने के साथ ये मुमकिन बनता है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि गर्ज ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी तो हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है, तो मोहब्बत ही जब हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे तो यकीनी तौर पर तरक्की की भाई जिस जो शख्स को आप मानते हैं, जो आपका हीरो है, जो निजात दहिंदा है, वो हमारा खुदा है, उसने मोहब्बत से सब कुछ किया है। हाँ जी, और लिखा है कि नर्म जुबान हड्डी को तोड़ डालती है। तो नाजरीन आज की तमसील जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे अनासर से ग्रेज करें जो आपको बदी की तरफ लेकर जाता है। तो मैं सबसे पहले अपने नहायत ही काबिल कदर फजीलत माब आर्च बिशप सेबास्टियन फ्रांसिस शॉ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वसात से ये प्रोग्राम्स है एक तसलसल के साथ जारी वसारी है, और इसके साथ मैं बाबूजी का शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना कीमती वक्त जो है लेकर यहां आते हैं ताकि मोमिनीन तक जो है खुदा की बातें जो है बांटी जाएं और खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले, जैसे कि लिखा है कि जाओ और जाकर सारी दुनिया में अंजील की बशारत दो। तो मोमिनीन आपका शुक्रिया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।